सो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, जो कि हम लोग खेल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो बहुत दिन पहले आया था। तो अभी गेम में आ चुका है RGS टूल, जिससे हम लोग बना सकते हैं कस्टम बिल्ड। जैसे कि हम लोग बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में, हम लोग अपनी पसंद का घर बना सकते हैं, हम लोग अपनी पसंद का मतलब कुछ भी पेड़ वगैरह उगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस वाले वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें चेक करने वाले। तो वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट बता सकते हो और क्या क्या नया है इस गेम में। तो इधर एक पहले खाली अच्छी जगह ढूंढे, जिधर हम लोग आराम से ये सब कर पाए, और अच्छी सी जगह मतलब हम लोग अपना पर्सनल घर भी बनाने वाले इस गेम में। तो ठीक है, पहले अभी ओके, तो ये वाली जगह ठीक रहेगी, क्योंकि इधर बहुत सारी जगह है, मतलब बहुत ही लंबी जगह। तो इधर पहले हम लोग को खुलना है RGS टूल, फिर इधर हम लोग को डायल करना है, कोई भी नंबर डायल कर सकते हम लोग। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक घर, बनाते हैं एक हाउस वन करके। तो सिंपली बस हमें इधर H1 टाइप करना, जैसे हाउस नंबर वन आ जाएगा। ओ भाई साहब, ये तो कितना बड़ा घर है, मतलब इतना बड़ा तो यार मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा घर आएगा, मतलब ये तो हमारे घर से भी दो गुना बड़ा घर है। तो देखते हैं हम लोग इसके अंदर जा पाते हैं कि नहीं। यार जाना सही, मतलब इतना बड़ा घर है। वो भाई साहब, इधर बाइक पार्क कर सकते हैं हम लोग अपनी, इधर हमारी आराम से 8 से 9 बाइक तो आराम से आ जाएगी यार। अगर हम अंदर जा पाते तो कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा घर बनता, मतलब ये क्योंकि हम लोग इतना बड़ा घर और हम लोग इसके अंदर रहते तो यार बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग इधर के सबसे रिच मैन बन जाते। तो अभी हम लोग इधर B1 टाइप करके देखते हैं। मेरे ख्याल से अभी तो बिल्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि बी से बिल्डिंग होता है यार। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कैमरे से दिख भी नहीं, मतलब हमारा उतना एंगल भी नहीं जा रहा कि हम लोग पूरी बिल्डिंग एक ही बार में देख पाए। तो गाइस आप हम लोग ट्राई करेंगे T1 टाइप करके, देखते क्या आता है। ओके, तो ट्री नंबर वन आ चुका है, झाड़ नंबर वन। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे W3, वही होगा। ओके, तो W3 ट्राई करके देखते क्या आता है इसमें। ओके, तो इधर कर देते। ओके, तो ये कोई जाली वाली वो दीवार आई है, मतलब वो नेट होती है ना वैसी वाली। तो अभी W2 ट्राई करके देखते। तो ये ओके, तो कंक्रीट की दीवार आई है, मतलब सफ़ेद ब्लॉक की। तो ये W2 वाली जो दीवार है वो हम लोग अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इससे हमारा घर आराम से बन जाएगा। ये W3 वाली थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो अभी हम लोग ट्राई करके देखेंगे P1, तो इससे पोल आना चाहिए। ओके, तो लाइट का पोल आ चुका है, जिससे हम लोग अपने घर के बाहर लगाएंगे ताकि लाइट वाइट ना जाए। भाई इसकी वायर किधर है, ये जले क्या रात में। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे P5। ओके, तो देखते इससे क्या आता है। ओके, तो इससे डस्टबिन आ चुका है, तो ये तो हम लोग अपने घर के बाहर नहीं रखने वाले, इसको थोड़ा दूर रखेंगे। इसमें हम लोग कूड़ा वगैरह फेंक सकते हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे P11। ओके, तो अभी देखते हैं इससे क्या आता है। ओ भाई साहब, इससे तो घर का बेस आ चुका है, मतलब ये वो चीज़ है जिसको हम लोग बेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने घर का। पहले मैं सोचा था हम लोग नहीं बना पाएंगे, बट इसमें हम लोग अपना कस्टम घर बना सकते हैं, तो हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओ भाई साहब, अपना पूरा बेस रेडी हो चुका है। तो मतलब वैसे हम लोग P11 करके रखते जाएंगे और अपना बेस बनता जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो इधर दो ही बॉक्स का इतना बड़ा बेस बन चुका है। तो हम लोग इस पर 4-5 बॉक्स रख देंगे, तो इसमें हमारा बेस पूरा बन जाएगा, तो हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा पर्सनल घर बना के रहेंगे, मतलब बना के रहेंगे और बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला बनाएंगे, जिसमें स्विमिंग पूल होगा वगैरह। तो अभी हम लोग फिलहाल ट्राई करके देखते हैं House No. 3। तो देखते हैं वो कैसा आता है। वो मेरे को बड़ा हुआ तो नहीं होगा इतना, तो देखते। ओके, तो ये तो छोटा ही है।